अरे आसाम राइफल्स है ये, देखो आसाम राइफल्स ने दी थी। तो दोस्तों थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था। क्या हुआ था कि हम जो हैं, हमें जो फौजी भाई हैं हमारे, उनको कॉल आ गया था कि वो लड़के को लेके आओ, कर्नल साहब ने मिलने को बुलाया था। फ़ोटो आपने देखी होगी, और मुझे जो है ये बैच भी दिया है ब्राज़ीलियन आर्मी का। जो मेरा छाती है वो गर्व से फूल गई है। बहुत अच्छी बात करी हम दोनों ने बैठ के। वो मुझे चाय नाश्ता कराने वाले थे, लेकिन मैं खा पी के आया, ठीक है, तो कुछ खाया नहीं है। बात करी है बहुत अच्छे से उनसे। अभी हम, उन्होंने पूरी परमिशन दे दी, जो दिखाना हो दिखाओ अच्छे से, और उनको जो है भेजना, उनको भी लिंक भेजना है, ठीक है। तो अभी जो है हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है आर्मी का, देखो हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में है। मैं आपको अब कुछ बोलूँगा नहीं, अब मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो ये कोई वो हैं, फौजी हैं, मार्शल फ्लोरियानो, ओके। तो जैसे आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में भी कैसे सोल्जर्स होते हैं, वो फेमस और वो होते हैं ना वॉर हीरो, तो वैसे ही यहाँ पे म्यूज़ियम है। वो 1889 की है ये, जो है तो ब्राज़ीलियन आर्मी। तो दोस्तों ब्राज़ीलियन आर्मी के बारे में एक खास बात यह है कि यहाँ की आर्मी ने एक भी वॉर नहीं हारी। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ के इंडिजीनियस लोग हैं, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ कुछ रखा हुआ है यहाँ पे। देखो दोस्तों श्रीलंका जो है उन लोग, उनके जो शायद सेना ने ये दिया था गिफ्ट में। दोस्तों देखो यहाँ पे नेपाल तक का झंडा है, बहुत बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, ये देखो इंडिया का मीम मिल गया अपने को। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम इंडिया, ओके यूनाइटेड ने, अरे आसाम राइफल्स है ये, देखो आसाम राइफल्स ने दी थी। दोस्तों तो वो असम राइफल्स वालों ने जो इंडिया की तरफ से गिफ्ट दिया गया था। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये वीडियो। मुझे दो पार्ट में डालना पड़ेगा, मुझे सिर्फ फोर्ट दिखाना था, लेकिन
वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए जो हैं, मिले मुझसे, मैं यहाँ की भाषा भी बोल रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे थे आप इंग्लिश बोलोगे या पोर्तुगीज़, तो मैं पोर्तुगीज़ में चालू हो गया। तो बस दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये जो पर्सन बैठे हैं ये वही इंडिजीनियस है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मेडल्स रखे हुए हैं बहुत सारे, ओके, और बहुत ही ज़्यादा वो हिस्टोरिकल लग रहे हैं ये जो भी चीज़ें हैं। ये गन भी वो आपने देखी होगी पुरानी फिल्मों में बहुत, ठीक है। देखो दोस्तों ये पुराने ज़माने का टेलीफोन है जो ब्राज़ील में यूज़ होता था, 1855 से 1955 तक यूज़ हुआ है शायद, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। कोई कैप्टन बर्थ करके हैं, उनका कलेक्शन है ये। ओके, नेपोलियन जो थे उनका भी यहाँ पे कुछ कलेक्शन रखा हुआ है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको आर्मी का हिस्टोरिकल म्यूज़ियम कैसा लगा, ठीक है। और मुझे तो क्या है ना, मैं उतना ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं रहा म्यूज़ियम में, यूजुअली बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई है लगी हुई है। ओके देखो ब्राज़ील 500 लिखा हुआ है, मतलब वो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिप्स हैं वो पुर्तगाल की होंगी, और कैसे वो लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, हिस्ट्री है पूरी कैसे डिस्कवर हुआ था, और यहाँ पे वो इंडिजीनियस लोग थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील 500। ओके तो ये जिसने भी वो बनाया शायद उसके डिटेल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों ये था ब्राज़ील का
हिस्टोरिकल म्यूज़ियम जो कोपाकाबाना फोर्ट में है स्थित है, ये 2-3 फ्लोर का। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लगा, और इसके बाद हम लोग अब फोर्ट देखने जाने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।